डी टीवी प्रेजेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुझाव रखा और दिल्ली के पुलिस आयुक्त अमूल पटनायक ने उसे सत्य साबित कर दिखाया। 17 राज्यों के युवाओं को दिल्ली पुलिस में शामिल किया गया है और दिल्ली पुलिस देश की प्रथम पुलिस बन गई है जहां 17 राज्यों के सुलझाना चाहिए। पुलिस कर्मियों को सोशल मीडिया का सकारात्मक इस्तेमाल करना चाहिए। आगे क्या कहा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने आप आज का ये काफी विशेष रूप से यादगार भी है और बहुत अच्छी तरीके से जिस प्रकार से आप लोगों ने कड़ी मेहनत प्रशिक्षण से जो पहले किया है जिस तरीके से कमान किया आपने कदम से कदम मिला करके जो प्रेरित किया है ये सब उसने बहुत हिंदुस्तान का बहुत अच्छा प्रेरित जैसे आज का प्रेरित को मैं मान सकता हूँ। मैं उसके लिए आप सबको सारा रिक्रूट को और जितने भी ट्रेनर्स है आपको तो मैं बधाई देना चाहता हूँ और दिल्ली पुलिस कमिश्नर उनके साथी और पूर्व में जो कमिश्नर रहे हैं खास करके भीमसेन भट्टी साहब उसके बाद में आलोक वर्मा साहब भाई और साथ साथ जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं मुझे जो पता है ये सारा प्रक्रिया में जिन्होंने सहयोग दिया है मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज से 300 पहले जब गुवाहाटी में पहली बार ऑल इंडिया डिजिटल कॉन्फ्रेंस दिल्ली से बाहर करने का प्रधानमंत्री जी का निर्णय हुआ तो गुवाहाटी में मीटिंग किया उस डीजी कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी ने कुछ कंसेप्ट कुछ आइडिया हम लोगों के सामने में रखा था। उसमें से एक था कि देश के जितने भी जो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज है खास करके दिल्ली दिल्ली पुलिस का स्वरूप दिल्ली पुलिस का चालचलन दिल्ली पुलिस का पहचान एक अलग हो जो हिंदुस्तान का भावना को रिफ्लेक्ट करे ऐसा दिल्ली पुलिस बने कल्पना किया था और वो कल्पना आज पूरा हुआ हमारे सामने हम देख रहे हैं। तो प्रांतों की खोज परक समाचारों के लिए पढ़ें 13 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। बहुत सारे कार्यक्रम आपका ट्रेनिंग जो भी समर्थन भारत सरकार गृह मंत्रालय से जो भी चाहिए मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ जिक्र करके हर विषय को लेकिन मोटा मोटा मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज के दिन प्रधानमंत्री का जो आशीर्वाद है मेरे जो वरिष्ठ मंत्री राजनाथ सिंह जी का आपके ऊपर दिल्ली पुलिस का ऊपर जो लगन है जो प्यार है जो समर्थन है वो आने वाला दिन है और बढ़ेगा। हमारा मंत्रालय के माध्यम से गृह मंत्रालय के माध्यम से दिल्ली पुलिस का संख्या बल पर भी और आपका वेलफेयर के लिए आपका खाना पीना से लेकर के आपका रहन सहन से लेकर के आपका वेतन मिली से लेकर के पूरी मॉडर्नाइजेशन के लिए जो भी सामग्री का व्यवस्था करना पड़ेगा जो भी समर्थन गृह मंत्रालय के माध्यम से जो भी संभव आप अपेक्षित है
वो हम पूरा करने का मैं आपको भरोसा देता हूं। और समय समय पर बहुत अच्छी चीजें आजकल देखने को मिलता है। कभी कभी एक आदमी, एक दिल्ली पुलिस, एक कांस्टेबल, एक ऑफिसर का वजह से कभी कभी पूरा बल को, पूरा ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम झेलना भी पड़ता है। आजकल सोशल मीडिया का ये जमाना है, मीडिया बहुत एक्टिव है। आजकल तो एक तरीके से हर आदमी हर इमेज अपने हाथ में कैमरा फोन लेकर के चलता है। हमको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। नहीं तो एक छोटा सा भूल, छोटा सा चूक जो है पूरा संगठन को बदनाम कर सकता है। इसलिए ये ध्यान रखें कि किसी एक निजी गलती की वजह से पूरा दिल्ली पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को बदनाम ना हो, इस चीज का ध्यान रखा जाना चाहिए। प्रशासनिक रूप से आप अपना व्यवस्था बनाया होगा, आपका कोई भी समस्या होगा उस चैनल में जाकर के अपना जो वरिष्ठ अपना सीनियर है उसका आपका दुख तकलीफ बताना चाहिए। अपने इश्यू को आप सोशल मीडिया में वहां बोलने से कुछ का समाधान नहीं हुआ, इसलिए ये डिसिप्लिन फोर्स है। इसका चलने का तरीका भी पूरा डिसिप्लिन से ही चलना चाहिए और यही हमारा पहचान है। किसी भी संगठन में जब डिसिप्लिन खत्म हो जाएगा, सिस्टम में थोड़ा सा हायरार्की में गड़बड़ हो जाएगा, वो संगठन ठीक से नहीं चल सकता है। इसलिए बहुत ही अच्छा परंपरा दिल्ली पुलिस का रखा है, ये जिम्मेदारी को आगे लेकर के चलना है। मानव एक, जाति दो, स्त्री पुरुष वर्ग दो, अमीर गरीब, व्यवस्था यानी सरकार, व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका, दैनिक इंडिया दर्पण की सोच, शिक्षित करना, संगठित करना, संघर्ष करना, वैचारिक धरातल पर एक संदेश, जब मानव शिक्षित हो जाएगा तो वह स्वयं संगठित होकर मानव में दानवीय प्रवृत्ति को जड़ समेत उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष करेगा। वेरी नाइस फोन अकेशन फॉर दिल्ली पुलिस। वी हैव टेकन सम स्पेशल मेजर्स टू सेंड आवर टीम, रिक्रूट टीम, रिक्रूटमेंट टीम टू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट टू ऑर्गेनाइज ए स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस सर दैट वी हैड एन एक्सीलेंट रिस्पॉन्स। After that, we got them trained, and during the training also, I have seen the quantum of enthusiasm and interest displayed by these recruits from the Northeastern state has been outstanding. उसका ये नतीजा आपको देखने को मिला। आज का जो परेड हम लोगों ने देखा, आई हैव बीन विटनेसिंग सेवरल सच परेड्स इन द पास्ट, बट आई हैव नो हेजिटेशन इन सेइंग दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परेड्स आई हैव सीन। आप लोग यू विल बी जॉइनिंग वन ऑफ द मोस्ट elite forces of the country, that is the Delhi Police. As you all know, the Delhi Police is entrusted with the onerous task of policing the national capital. It has its own challenges, but looking at the kind of interest you have shown in the training, I am very confident that you will all be value addition to the Delhi Police, and in times to come you will do an excellent job to
to bring morals to the fore. In this training capsule, sir, we have taken special measures to not only hold their physical fitness, but also to impart them skills in various subjects as well as in human rights and behavioral aspects. Being members of the police force at police in the national capital, आप लोगों से बहुत ही उम्मीद रखी जाती है. ये उम्मीद रखी जाती है कि आप नॉट ओनली विल गो टू द रिजल्ट ऑफ पुलिसिंग ड्यूटी बट वी ऑल्सो मेंटेन द काइंड ऑफ इमेज ऑफ दिल्ली पुलिस व्हेन इट कम्स टू डीलिंग विद पब्लिक पर्टिकुलरली द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी women, children, senior citizens. Keeping all these things in mind, we have stressed on the requirement of giving them an all-round kind of personality development, and I would like to congratulate the training group that they have done an excellent job in covering all the subjects that were required to be covered in an excellent manner. आप लोग जब यू ज्वाइन दी फोर्स यू बी पुट ऑन ड्यूटी ड्यूटी इन वेरियस कैपेसिटी एंड एज आई टोल्ड यू द जॉब इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग. वी हैव सेवरल चैलेंजेस बिफोर अस बट आई एम श्योर यू विल राइज टू द ऑकेजन एंड डू अ ग्रेट जॉब बीइंग अ मेंबर ऑफ द सेनेट. सर, इन द ट्रेनिंग ऑफ आवर पुलिस पर्सनल we have taken a number of steps to upgrade the training facilities, to also make the training syllabus more oriented towards what the Honorable Prime Minister told us regarding smart policing. Accordingly, subjects are being specially modified, and we are creating a number of facilities, particularly to take police function onto a digital mode in a big way. So we will be creating a lot of facilities in times to come. The Ministry of Home Affairs has been very, very indulgent. They have given us a section of funds. We will be taking up a big project of the police training school in Karabla Kalan so that the existing training facilities are suitably upgraded. And we will also be creating facilities for e-learning, through which we propose to give refresher training courses to our officers on the digital mode so that they are not required to come all the way to the training institute but can be trained while being in their respective places of posting. I'll not take much of your time, sir. I once again would like to welcome you to this function. We look forward to the words of guidance and encouragement that you give us. And I once again congratulate all the trainees who have participated in the parade for giving an excellent performance. I once again welcome you all. Thank you.